हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को ना बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज ना आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, और जो टॉपिक है हमारा वो है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है, यंग है और प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो उन्हीं के लिए है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जब हमारी किडनी खराब होती है उस टाइम पर ना हमारी जो लाइफ है ना उसके अंदर बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है, और जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं वो मैन वुमेन दोनों के अंदर होती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का डायलिसिस लंबे टाइम तक चलता है उनको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है। दूसरा वुमेन है उनके अंदर पीरियड ना आने की जो समस्याएं हैं वो अक्सर हमें फेस करने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद में हमें नई किडनी मिल जाती है, और नई किडनी हम अपना काम ना शुरू वाले दिन से ही करना शुरू कर देती है, और करीबन 3 महीने के बाद में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी पहले, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी चाहे वो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो सारी हमारी क्योर हो जाती है, दूर हो जाती है, और हमारी जो लाइफ है ना एक नॉर्मल इंसान की तरह होती है। तो उस टाइम पर हम प्रेगनेंसी प्लान के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, हम रिलेशनशिप के अंदर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मेरी माने तो हमें कम से कम 1 साल प्रेगनेंसी के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रांसप्लांट कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ये मान के चलें कि हमारा जन्म ही दोबारा होता है। और तो दोस्तों जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचें तो उस टाइम पर हमें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर होते हैं हमारी उम्र, हाइट और वेट के अनुसार हमारी मेडिसिन की डोज सेट करते हैं। वैसे तो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता आने वाले बच्चे पर, लेकिन फिर भी हमें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और एक गायनो के संपर्क में रह करके अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमारा जो बच्चा ना वो स्वस्थ और हेल्दी पैदा होता है। दोस्तों जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट और गायनो की देखरेख में करें, और जो भी मिथ्स हैं लोगों के, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से अचीव नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरह का मिथ है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी के द्वारा एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं जो आप हमें देना फिर या लेना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें, और जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।